जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे, यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दिए हम लोग। कांग्रेस की मति मारी गई है, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। जब भी देश में 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे का दिन आता है तो एक संगठन खूब चर्चाओं में रहता है। उस संगठन का नाम है बजरंग दल। ये मई का महीना है, वैलेंटाइन डे बीते 3 महीने होने को हैं, लेकिन बजरंग दल का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल हुआ ये कि 2 मई यानी मंगलवार के दिन, वो मंगलवार जिसे हनुमान जी का दिन कहा जाता है, इसी दिन कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया कि राज्य में जब उनकी सरकार बन जाएगी तब वो बजरंग दल को बैन कर देंगे। हंगामा मचा और इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ऐलान कर दिया कि बजरंग दल को बैन करने पर विचार किया जा सकता है। हाँ, क्या हो रहा है उसके कारण से यहाँ ऐसा होगा, यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दिए हम लोग, है ना, जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे। अब इस पर जमकर राजनीति हो रही है, इसका क्या असर होगा, क्या इससे आने वाले चुनाव में कांग्रेस को घाटा होगा या फायदा होगा, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है किसले और आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि बजरंग दल बना कैसे। साल 1984 ये वो दौर था जब भारत की राजनीति में राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा था। अयोध्या में राम लला का मंदिर बने, इस पर अलग अलग दलों की अलग अलग राय थी और एक बड़ा राजनीतिक ये मुद्दा बनता जा रहा था। इसी साल यानी कि 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने धर्म संसद का आयोजन किया। इसमें राम मंदिर के आंदोलन का मुद्दा उठाया गया। धर्म संसद में शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। राम जानकी रथ यात्रा के नाम से इस शोभा यात्रा का मकसद हिंदू धर्म को लेकर लोगों को जागरूक करना था। बताया जाता है कि जब तत्कालीन सरकार ने शोभा यात्रा को सुरक्षा देने से मना कर दिया तो इसके बाद ये सवाल उठा कि आखिर इस शोभा यात्रा की सुरक्षा कौन करेगा, बीच में अगर कहीं बात बिगड़ गई तो क्या होगा। जिसके बाद लोगों ने कहा कि भगवान राम और जानकी के साथ हनुमान जी हमेशा खड़े रहते थे, मुसीबत में हमेशा सामने रहते थे, इसलिए हनुमान जी के नाम पर ही एक संगठन बनाया जाए और उस संगठन का काम होगा शोभा यात्रा की रक्षा करना। जिसके बाद से विश्व हिंदू परिषद ने बजरंग दल की स्थापना की। भारत की राजनीति के इस दौर में एक ऐसा नेता था जो हिंदुओं की आवाज को बढ़ चढ़ कर उठा रहा था, उनका नाम था विनय कटियार। विनय कटियार तब फायर ब्रांड नेता थे और राम मंदिर के मुद्दे पर वो बेहद मुखर थे और उग्र थे। उनकी मुखरता को देखते हुए विनय कटियार को बजरंग दल का सर्वे सर्व बनाया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया तो उस वक्त मस्जिद को तोड़ने वाले लोगों में 90% लोग बजरंग दल के थे। इसकी स्थापना के बाद से संगठन लगातार अपना पैर पसारता रहा। बजरंग दल को कई अच्छे कामों के लिए वाहवाही मिली तो वहीं कई बार संगठन पर गंभीर आरोप भी लगते रहे। आरोप नंबर 1, बाबरी मस्जिद को गिराने का आरोप। साल 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराने का आरोप बजरंग दल पर लगा, जिसके बाद से बजरंग दल को बैन कर दिया गया था। लेकिन बजरंग दल पर लगे आरोप में एक भी आरोप सही साबित नहीं हुआ, जिसके बाद से ये बैन हटा लिया गया। और अगर दूसरे आरोप की बात करें तो दंगा फैलाना एक बड़ा आरोप लगता रहा है। अभी हाल ही में बिहार शरीफ में हुए दंगों में बजरंग दल का नाम आया था। एक और आरोप लगता है वो है धार्मिक अशांति फैलाना। आरोप लगता रहा है कि इनके कार्यकर्ता कभी धर्म परिवर्तन के नाम पर तो कभी लव जिहाद को रोकने के नाम पर विशेष समुदाय को टारगेट करते रहते हैं। वहीं बजरंग दल के कुछ कामों की लोग तारीफ भी करते हैं, जैसे कि रक्तदान शिविर का आयोजन करवाना, आपदा या दुर्घटना के समय में बजरंग दल के कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और पुलिस और जवानों की काफी मदद करते हैं। तो चलिए अब ये समझते हैं कि बजरंग दल को बैन करने का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने सही किया है या गलत, इससे पार्टी को नुकसान होगा या फायदा, बजरंग दल की बात कांग्रेस ने क्यों की। दरअसल बीजेपी ने यानी कि केंद्र सरकार ने पीएफआई को बैन कर दिया है और शायद इसलिए कांग्रेस ने इसे बैलेंस करने के लिए बजरंग दल का मुद्दा छेड़ा है कि आपने पीएफआई को बैन किया तो लीजिए हम बजरंग दल को बैन कर दे रहे हैं। कर्नाटक की अगर बात करें तो यहाँ बजरंग दल सबसे ज्यादा खबरों में रहता है और इसके 2 बड़े कारण है। पहला कारण यह है कि कर्नाटक में ईसाई मिशनरियों का बढ़ता प्रभाव। राज्य में ईसाई मिशनरियों के बढ़ते प्रभाव की वजह से राज्य में बजरंग दल अब काफी सक्रिय हो गया है। कर्नाटक में बजरंग दल के 4,500 से ज्यादा अखाड़े हैं और 38,000 से ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं। बजरंग दल का कहना है कि वो इस धर्म परिवर्तन के षड्यंत्र के खिलाफ है। इस वजह से ईसाई मिशनरियों और बजरंग दल के बीच टकराव देखने को मिलता रहा है।
कर्नाटक की कुल आबादी में लगभग 2% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और ये वोट बैंक करीब 12 लाख लोगों का है, इसलिए आंकड़ा और भी अहम हो जाता है। कर्नाटक में बजरंग दल की सक्रियता का दूसरा सबसे बड़ा कारण है धर्म परिवर्तन। जब लव जिहाद और स्कूल और कॉलेजों में हिजाब का विवाद, बजरंग दल इन तीनों के ही खिलाफ है। आपको बता दें कि कर्नाटक में ध्रुवीकरण एक अहम मुद्दा है और कांग्रेस ने सत्ता में आने पर मुस्लिम आरक्षण शुरू करने का वादा किया है। जेडीएस ने भी कुछ इसी तरीके का वादा किया है, लेकिन अब बजरंग दल को बैन करने का वादा करके कांग्रेस ने ध्रुवीकरण के मामले में बढ़त बनाने की कोशिश कर ली है, लेकिन इससे कांग्रेस को फायदा होगा या नहीं ये देखने वाली बात है। कांग्रेस को यह भी याद रखना चाहिए कि चुनाव केवल कर्नाटक में नहीं हो रहे हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव है, उससे पहले MP और CG में भी चुनाव है, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि कर्नाटक में तो कांग्रेस को लाभ मिल जाए और बाकी राज्यों में और लोकसभा चुनाव में पार्टी को घाटा हो। कांग्रेस को इस बात का भी ध्यान रखना होगा। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP Live।